हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग दोस्तों देख रहे हैं रोहित जी फिश लव चैनल। दोस्तों आप लोग आज लोगों के लिए एक चीज़, ये दिख रहा है पीछे एक्वेरियम दिख रहा है आपको? दोस्तों मेरी फ्लावर हॉल ने ब्रीडिंग की है, तो वही चीज़ आपको दिखाने वाला हूं मैं कि किस तरह से फ्लावर ब्रीडिंग करती है। और पिछला वीडियो मैंने ये बताया था कि ये पेयर बना रखा है मैंने, तो उसको मैं ब्रीडिंग कराऊंगा। तो आज ये फाइनली ब्रीड कर चुकी है दोस्तों, तो आज आप लोगों की वीडियो दिखा रहा हूं। देखिए दिखाता हूं, चलिए ये देखिए दोस्तों किस तरह से ब्रीडिंग की है। अंडे आपको दिख रहे होंगे शायद, क्योंकि पानी हल्का सा गंदा हो रखा था इसलिए आपको अंडे शायद सही से ना दिखें। मैं फोकस कर देता हूँ थोड़ा अंडों के ऊपर। देख लीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी हज़ारों की तादाद में फ्लावरों ने अंडे दिए हैं, और ये इसका मेल है जो फर्टिलाइज कर रहा है अंडों को। दोस्तों ये अंडे आज से लगभग 2 से 3 दिन के अंदर निकल आएंगे, और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी दवा भी डाल दी। ये ब्लू वाली दवा जो होती है, इस पानी को डालने से क्या होता है, बैक्टीरिया थोड़े से ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि अंडों में फंगस लगने का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, इंतज़ार करते हैं 2 से 3 दिन में इसमें से बच्चे निकलेंगे, तो आपको और भी वीडियो मिलेगी इसके ऊपर। और दोस्तों आपका जो भी कोई अगर सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है इसकी ब्रीडिंग में, तो आप सीधा मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप का नंबर डाल दूंगा, कोई भी परेशानी होती है आप मुझे कॉल करिए और उसका मैं आंसर आपको देता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा बिजी होऊंगा तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन उसके बाद ज़रूर दे दूंगा। जब मैं आपका मैसेज देखूंगा तो पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं मैं। देखिए फ्रेंड्स, कैसे ही अपने अंडों को सफाई, ये पंख हिला के इसकी सफाई कर रही है। इसलिए सफाई कर रही है क्योंकि ये मछली बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है। इन मछलियों की अपेक्षा ये जो गोल्ड फिश हमारी होती हैं, ये हमारी कार्क फिश होती हैं, ये अपने बच्चों को अपने अंडों को खा लेती हैं, लेकिन ये जो फिश होती हैं ये अपने अंडों को कभी भी नहीं खाती हैं। हाँ, ये बस तभी अंडे खाती हैं जब इनके अंडे फर्टिलाइज ना हों, कि उसी केस में अपने अंडे खाती हैं। ये मेल सिर्फ 3 से 4 महीने का है, और देखते हैं ये रेडी है ब्रीडिंग करने के लिए या नहीं है, इसने फर्टिलाइज किए हैं अंडे या नहीं किए। ये मैंने नहीं देख पाया था क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर घूमने निकल गया था, तो इस चक्कर में मैंने देख नहीं पाया। जब लौट के आके देखा मैंने, तो इसमें ये अंडे उसके थे फ्लावरों के। ये फ्लावर मेरी फीमेल कम से कम इसको 1 साल पुरानी है, और ये मेरा मेल 3 से 4 महीने के बीच का है सिर्फ, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं। देखते हैं ये फर्टिलाइज करता है इन अंडों को नहीं करता। अगर फर्टिलाइज कर देगा 3 से 4 दिन के अंदर ये अंडे निकल आएंगे दोस्तों, और इसमें बेबी घूमेंगे पूरे एक्वेरियम में, बेबीज इसके घूमते नजर आएंगे आपको। और दोस्तों एक बात और, जब भी आप ब्रीडिंग करा रहे हैं फ्लावर हॉर्न की, तो हमेशा इसमें एक हीटर ज़रूर लगा के रखें। इससे क्या होता है कि पानी गर्म रहेगा, इससे आपके अंडे ख़राब नहीं होंगे, और जब भी बच्चे निकलेंगे इसमें से तो वो मरेंगे नहीं बच्चे। और फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमेशा अगर अंडे आपके दे दिए हैं एक्वेरियम में, आपने कोई सामान नहीं रख पाया है, तो वैसे मैंने इसमें तो कुछ रखा था लेकिन मैंने निकाल दिया, एक छोटा सा मिट्टी का गमला रखा था तो वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि मुझे को नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये फीमेल अंडे दे देगी। मेन बात यह है दोस्तों कि आपको इन अंडों के ऊपर पानी का प्रेशर देना है हल्का हल्का, जैसे कि ये फिल्टर लगा हुआ है, इनका हल्का हल्का प्रेशर इन पानी के ऊपर जा रहा है। इससे क्या होता है कि जो भी गंदगी होगी इन अंडों के ऊपर नहीं जमेगी। अगर गंदगी जम गई तो अंडे फंगस के द्वारा खराब हो जाएंगे और इसमें से बेबी नहीं निकलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस शीशे को टच करता हूँ, ये इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, इसको शीशे को टच करूँगा ये काटने को आएगी मुझे। ये खासतौर पर ये जो मेल होता है ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है, आपको इस चीज़ को दिखाने वाला हूँ मैं। देखिए दोस्तों, देखिए मैं उंगली पास लेके गया, बस इसने अटैक करना चालू कर दिया। थोड़ी सी भी और उंगली पास लेके जाता हूँ तब ये काटने को आता है। इन अंडों को अपना बेबी समझता है, इसलिए इनकी प्रोटेक्शन कर रहा है। ये देखिए दोनों, मैंने अपना हाथ डाला हूँ एक्वेरियम के अंदर, तो ये दोनों ऊपर खाने को आ गई। देखिए देखिए देखिए, ये फीमेल भी आ गई खाने। देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बेबी निकलेंगे। अगर निकलेंगे तभी वीडियो बना के दिखाऊंगा, अगर नहीं निकलेंगे तब भी आपको वीडियो दे दूंगा। दोस्तों आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आगे जब भी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।